आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दरअसल जेपीआईसी जाना चाहते थे अखिलेश यादव, लेकिन क्योंकि अभी निर्माण पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में उन्हें अंदर जाने से रोका गया और इसके बाद हो हंगामा होता दिखाई दे रहा है, राजनीति होती दिखाई दे रही है। आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जगह बनी है और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था उस समय देश के सोशलिस्ट नेता नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे नेता रहे थे उस समय, और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सके, और जिस तरीके से इंडिया हेरिटेज सेंटर बना है उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने। तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था जेपीएनआईसी के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, पार्किंग स्पेस भी है, और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है, और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। आपको जीव जंतु ना इसलिए वहां पे जाने के लिए जीव जंतु वहां जो सरकार भेड़िए से जो सरकार भेड़ियों से गरीबों को नहीं बचा पा रही, जो सरकार गुलदार से गरीबों को किसानों को नहीं बचा पा रही है, और अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीब के बच्चों पे हमला कौन कर रहा है जिसकी वजह से जान जा रही है, तो वो सरकार हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी बने हुए हैं, और यहाँ अखिलेश यादव के घर के बाहर ठीक अभी भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिस रथ पर अखिलेश यादव हैं, उस रथ की तरफ चलते हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। क्या तस्वीरें वहाँ दिखाई दे रही है, रथ की तरफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव का प्रयास जो है यहाँ पर वो ये है कि जो त्योहार है वो उसकी बात करके, त्योहार की बात करके कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हैं, वरना त्योहार न होता तो कार्यकर्ता जो है इन बैरिकेडिंग इन तमाम चीजों को उखाड़ दिए। लेकिन इस समय कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बीच में अखिलेश यादव अपना पक्ष रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पक्ष में हम भी कोशिश करते हैं कि अखिलेश यादव तक पहुंच सके, लेकिन जो सुरक्षा इंतजाम है उन इंतजामों के बीच में कार्यकर्ता आप देखेंगे अभी भी बने हुए। बैरिकेडिंग की तरफ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बैरिकेडिंग की जो तस्वीरें हैं कैसे यहाँ बैरिकेडिंग पर कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच में अखिलेश यादव जो है अब यहाँ से उतरते हुए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अखिलेश जी कोशिश करते हैं हम भी उनसे बात करने की। अब तो वक्त चले जाएंगे, मुझे आप हिंसक हो रहे हैं, आपसे क्या नहीं जाता ना, आप तो रहे बोल तो रहे राजेंद्र जी, दिख नहीं आपको आप हिंसक बेवजह हो रहे हैं भैया, पैर के नीचे रोके रखना यार, शहीद हो जाएगा। आपके नहीं आऊंगा, परेशान ना हो सर, बुलाएंगे तभी जाऊंगा। तो लखनऊ में लगातार किस तरीके से सियासत होती हुई नजर आ रही है, अखिलेश यादव जो है वो लगातार हमला बोल रहे हैं जेपी की जयंती के मौके को। राघवेंद्र भी हमारे साथ हैं यहां पर। राघवेंद्र, अगर सम्मान ही करना है तो वो तो कहीं पर भी किया जा सकता है, कैसे भी किया जा सकता है, लेकिन ये पूरा बखेड़ा खड़ा क्यों?
देखिए बखेड़ा के पीछे एक प्रमुख कारण है, आज जो जेपी की जो जयंती है वह जो कार्यक्रम है इसमें जंग का मैदान बन चुका है, यानी सत्ता पक्ष विपक्ष में यह दिखाने की होड़ है कि आखिर जेपी को चाहता क्यों, लेकिन यह बताना यहां अखिलेश यादव आना क्यों चाहते हैं। आप देखिए कि जेपी एनआईसी यह सेंटर है, यह समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाई हुई बिल्डिंग है जिसको अखिलेश यादव कहते हैं कि यह वर्ल्ड क्लास की यह बिल्डिंग है। मैं कुछ दृश्य यहां का दिखाना चाहता हूं, अपने सहयोगी से कहूंगा कि देखिए इसके टॉप पे एक यहां पर यह शानदार हेलीपैड भी बनाया गया इस बिल्डिंग, देखिए लिखा है जेपी एनआईसी, उसके ऊपर हेलीपैड बनाया गया। तो अखिलेश यादव इसको अपनी उपलब्धि मानते हैं और यहां पर अब जो एलडीए ने कहा कि यहां पर इसलिए माल्यार्पण नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अखिलेश यादव यहां आएंगे तो उनको खतरा महसूस हो सकता है, लेकिन इस पूरे इलाके को देखिए छावनी में बदल चुका है चारों तरफ। जयप्रकाश जी स्वतंत्रता आंदोलन में थे, जयप्रकाश जी भारत के भारत रत्न है, जन नायक जयप्रकाश जी जिनका बड़ा योगदान है लोकतंत्र को बनाने में, जो आज तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो महान नेता रहे और उनका सम्मान, क्योंकि लोकनायक हैं जयप्रकाश, उनका सम्मान किया जाना और समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं उनका सम्मान पहले भी करते रहे हैं, इकट्ठा करते होते रहे हैं जयप्रकाश नारायण के लिए, लेकिन ये सरकार अब आंखें बंद कर बैठी है और हमें रोका यहां पर जा रहा है। और कैसे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, खुद अखिलेश यादव सड़क पर उतर, राघवेंद्र हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। राघवेंद्र, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार आंखें बंद कर बैठी है और जानबूझकर महान नेताओं का सम्मान करने से रोक रही है। अखिलेश यादव कल शाम को भी यहां पर आए थे, आप देख रहे हैं ना ये वही बैरिकेडिंग है, दृश्य याद होगा कि कल जब अखिलेश यादव यहां पर आए थे रात में, जब उनको पता चला कि टीम सेट लगाई जा रही है, पिछली बार यानी पिछले साल जब जयंती मनाने आए थे तो इस गेट को लांग गए थे अखिलेश यादव उनके कार्यकर्ता, गेट बंद था, लांग करके गए थे, प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। और जब आज सपा ने ट्वीट करके जानकारी दिया कि कल वहां पर 10:30 बजे माल्यार्पण होगा, तो यहां पर एलडीए के कर्मचारी आते हैं और ऊंची ऊंची टीन सेट लगा के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, यानी मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाता है। अखिलेश यादव यहां पर आए, मीडिया से बातचीत किया और निकल गए, 5 से 6 मिनट यहां रहते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने कहा था कि आज 10:30 बजे वो जेपी एनआईसी आएंगे, जिस तरह से अखिलेश यादव के घर के बाहर यानी विक्रमादित्य मार्ग को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया, अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट किया गया, चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई, बल्लियां गाड़ी गई, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात की गई, तो अखिलेश यादव आज यहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन यहां पर आने का पूरा इरादा था। अखिलेश यादव वहीं पर अपने घर के बाहर ही जेपी के प्रतिमा पर उन्होंने अभी कुछ देर पहले माल्यार्पण कर दिया है, यानी कि जो उनके जयंती का जो कार्यक्रम था अखिलेश यादव ने इस छावनी के बीच में ही कर दिया। लेकिन सियासत यह है कि अखिलेश यादव यहां से आकर मैसेज देना चाहते थे, क्योंकि जेपी के नाम पर बनाई गई यह बिल्डिंग है, यहां पर जेपी की प्रतिमा है, इस जेपी के बहाने वो इस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग को दिखाना चाहते थे कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में यह बिल्डिंग बनाई गई जिसको सरकार शुरू नहीं करा पा रही है, सरकार इसको जांच के घेरे में ला करके इसको ओपन नहीं करना चाह रही है, बोल रहे हैं कि इसमें वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं दी गई हैं, हेलीपैड है, 40-40 कमरे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल है, लोहिया से सटा हुआ ये पूरा इलाका है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यहां आकर मैसेज देना चाहते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। लेकिन इस सड़क को भी तो आप देखिए ना, ये जो सड़क है एक तरफ यहां पर अंबेडकर पार्क है, यानी कि मायावती ने इसको बनवाया इस पार्क को, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में बना हुआ यह जेपी एनआईसी सेंटर है। ये बीच का जो मुख्य मार्ग है आप देखिए यहां पर पुलिस लगातार सुबह तो यानी बस्ता जो है वो जयप्रकाश नारायण का सम्मान करना, उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं है, इस पर अपने लिए वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए अपनी सियासत चमकाना ज्यादा नजर आता है। लगातार इस खबर पर बड़ी अपडेट आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं।